हाय गाइस, आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे और उसके कॉजेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट, कैसा हम खा रहे हैं, क्या कौन सा पानी हम यूज़ कर रहे हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारी डाइट कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ क्रॉनिक इलनेस का बहुत बड़ा रोल है, जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड, वायरल फीवर, पोस्ट कोविड कंडीशन, तो ये कंडीशंस में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। साथ में डाइजेशन प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसे एसिडिटी हो गई, गैस्ट्राइटिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, इन केसेस में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, मल्टी विटामिन्स की, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। डायबिटिक की कंडीशन भी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डायबिटीज़ में देखना चाहिए कि हमारा शुगर मेंटेन रहे, प्लस ब्लड में हमारी कौन कौन सी कमियां हो रही हैं। कई बार होता है कैल्शियम की डिफिशेंसी हो गई, विटामिन डी की डिफिशेंसी हो गई, और अदर ऑप्शंस में होता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे PCOS यानी PCOD गर्ल्स में आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ भी कहते हैं और सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर फॉल होता है और हेयर थिनिंग भी होती है, ऑयली स्कैल्प हो जाता है। इसी के जैसा एक और कंडीशन है थायराइड की, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की केसेस में हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे करके स्कैल्प दिखने लगता है। और बॉयज़ में जनरली जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है किसी किसी का, जिसकी वजह से स्कैल्प पे DHT लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे हेयर का, उसमें थिनिंग क्रिएट करती हैं और हेयर थिनिंग होते होते बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। कई बार DHT लेवल जेनेटिक भी होता है, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। तो अगर फादर को किसी के बॉल्डनेस है तो उसके सन को चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बॉल्ड होने के। इसका एक पैटर्न होता है, पहले फ्रंट से हेयर कम होना स्टार्ट होते हैं और क्राउन एरिया से हेयर कम होना स्टार्ट होते हैं। फीमेल में पोस्ट प्रेगनेंसी भी देखा गया है कि कई बार या तो न्यूट्रिशन के कट ऑफ से, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी, और कुछ उस टाइम पे थायराइड ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो इन सब रीज़न से भी हेयर फॉल होता है। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसीज़ की, जैसे मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटिन यानी विटामिन एच। इसका हेयर रिपेयर में बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ में आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन की डिफिशियंसी, यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो जाने से, और इसको साइंटिफिकली कहते हैं फेरिटिन लेवल कम हो जाने से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब मिलकर टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। साथ में विटामिन D3 का बहुत बड़ा रोल है हेयर फॉल में। अगर विटामिन D3 किसी का कम हो गया, ज़्यादातर लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि हम सन एक्सपोजर कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर हो ही जाता है विटामिन D3 कम। ये भी बहुत बड़ा कॉज है हेयर फॉल के लिए। कई बार लोग जंक फूड खाते रहते हैं और अपनी प्रोटीन डाइट पर ध्यान नहीं देते, तो प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में उनको डेली लाइफ में जितना मिलना चाहिए वो नहीं जा पाता बॉडी में, और हमें असेंशियल अमीनो एसिड्स जब नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स का और प्रोटीन का जो रोल है वो टिश्यू को रिपेयर करने में है। हमारी बॉडी के टिश्यूज़ प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन ही नहीं होगा तो फिर हेयर का स्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं होगा, और ये भी हेयर को डैमेज करने में एक रोल है अगर आप डिफिशियंट हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स में। हम जब बाहर की डाइट लेते हैं, जंक फूड खा रहे हैं हम, और हम पुअर डाइट ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का कुछ भी हमें नहीं न्यूट्रिशन मिल रहा, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी डेवलप होते हैं जिससे टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। तो हमें फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत पॉजिटिव रोल है
बॉडी के डेड टिश्यूज को रिमूव करने में और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में। अगर हम आजकल फैशन में बात करें तो रिबॉन्डिंग बहुत ट्रेंडिंग में है, केराटिन है, स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, ये सही डायरेक्शन ऑफ यूज़ होना चाहिए इनका। अगर आपने सही तरह से यूज़ नहीं किया, प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, तो क्योंकि इन सारे प्रोसीजर्स में हार्श केमिकल होते हैं, अगर वो स्कैल्प पे ज़्यादा लाइन टाइम तक टिकते हैं तो ये एब्जॉर्ब होते हैं और इनके एब्जॉर्प्शन से हमारे रूट्स में ब्लॉकेज होती है और ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं और इससे इंस्टेंट हेयर फॉल होता है। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रायर का यूज़ करती हैं या फिर आयरन रॉड प्रेसिंग मशीन आती है उससे हेयर स्ट्रेटनिंग करती हैं, तो उससे क्यूटिकल्स ड्राई होके बर्न होके डैमेज हो रहे हैं और उनके हेयर ड्राई होते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ रुक जाती है और इसका कहीं ना कहीं एक अलार्म कहीं फॉलिकल्स तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग होते होते ये भी हेयर फॉल का एक इनडायरेक्ट कॉज है। ऑयलिंग कब करनी है? अब ऑयलिंग का अगर हम रोल देखें तो आपको शैम्पू से पहले ऑयलिंग करना चाहिए और बहुत लंबे टाइम तक सेम ऑयल लगा के नहीं छोड़ना चाहिए स्कैल्प पे, उससे भी आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और कई बार ज़्यादा ओवर या हाइपर ऑयलिंग से डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ भी सबसे ज़्यादा हेयर फॉल करने का एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि उसके जब डैंड्रफ होगा तो साथ में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ईचिंग होती है, स्कैल्प लगता है कि ड्राई हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ऑयलिंग कम कर देनी चाहिए और एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करने चाहिए। इसमें रिकमेंडेशन ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्रिप्शन लें, चेक कराएँ, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से कई बार इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है कि वो रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। तो अपने हेयर की प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ये भी आपको ध्यान देना चाहिए।